जमीनी विवाद में देर रात जमकर चली गोलियां, पुलिस ने मौके से खोखा किया। जी हां, आपको बताते चले बोधगया कि मस्तीपुर मोहल्ले में मंगलवार की देर रात जमीनी विवाद को लेकर राजेश पासवान के घर पर हुई जमकर गोलीबारी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के पहुंचते ही गोलीबारी करने वाले लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। वहीं मौजूद कड़ियल खान ने बताया कि हम अपने घर मस्तीपुर से जिंदापुर जा रहे थे, तभी अचानक 70 से 80 की संख्या में रहे लोग जो घातक हथियार से लैस थे उनके साथ मारपीट करते हुए गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया। साथ ही अंधाधुंध फायरिंग, ईंट पत्थर चलाया गया। वहीं कई स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ बिहार में सुरक्षा की बात करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारी गढ़ ही इसको अंजाम देने में संलिप्त हैं। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सांसद विजय मांझी के अलावे कई ऐसे मंत्रीगण हैं जो मांझी समाज का बढ़ावा देकर ऐसा करने के लिए उतारू कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से मांग की अगर इन लोगों का कॉल डिटेल निकाला जाए तो कई ऐसे मंत्रीगण इस गोलीबारी कांड में संलिप्त नजर आएंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि एक जिले के बराबर बोधगया में उतनी फोर्स दी गई है, उसके बाद भी इस तरह का घटना होना निंदनीय है। इसी मामले को लेकर SDPO का कहना है कि अभी मामला का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गोलीबारी कांड का अंजाम दिया गया है, अभी जांच चल रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो लोग भी संलिप्त रहेंगे उन्हें गिरफ्तार की जाएगी एवं कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वही घटनास्थल से कई खोखा बरामद की गई। वही घटना और अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी चल रही है। हम लोग की तो कोई मैटर ही नहीं है, झगड़ा लड़ाई का कोई हम लोग का भुइया मांझी से मतलब ही नहीं था, हम लोग कोई मतलब ही नहीं जान रहे हैं। और ये लोग हमारे घर में पूरा पूरा टीम जो है 50-80-100 के बीच में पूरा भुइया लोग है, सब आ करके मेरे दरवाजे पर पूरा धक्का दिया और मेरी बच्ची को भी अंदर गोली दिखाया, टेला भाग के अंदर जाओ, हम लोग को ढेला मार करके ईटा मार के पूरा घर में ईटा पत्थर से भर दिया। और वो जो भुइया लोग है पूरा गोली बारूद पूरा चलाया, हम लोग तो कुछ नहीं बोले। हम फायरिंग करते हुए आपके घर में ऐसा हुआ? फायरिंग करते हुए भी मेरा घर में या पूरा धांधली किया उन लोगों। घर में जेंट्स मौजूद थे? कोई नहीं थे मेरे घर में, जेंट्स कोई नहीं थे, हम लोग बच्चे थे और लेडीज थे, कोई जेंट्स मेरे घर में नहीं थे, हम लोग अकेले लेडीज होकर के अकेला छुप करके हम लोग थे, पूरा जितना पत्थर मारा है हम लोग सब अकेला घर में थे। पहचान करते कोई है? पहचान है उसमें? कोई मांझी को पहचानते हैं, कोई कोई और नहीं पहचानते हैं। जैसे में विनय मांझी था, अजय मांझी था और प्रीत मांझी का पूरा परिवार था और ये वासुदेव मांझी का लड़का था और इधर बीरबल मांझी का एक बेटा था। मैंने इसी तरह से और सबको हम पहचान नहीं पाए। मैंने आपके घर में जब मारपीट है, गोली बारू आपके दरवाजा, क्या मांग कर रहा था, किस कारण से बोल रहा था? हम लोग से कुछ मांग नहीं है, कुछ झगड़ा नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं है, अपने एक भाई आकर के हम लोग से एक्शन लिया है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। कुछ थाना में सूचना दी है? अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन रात में प्रशासन आए थे तो हम लोग बोले थे कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, जो जब उधर का झगड़ा है तो मेरे घर पर क्यों उन लोग चढ़ा, हम लोग क्या किया उन लोग को, जब खेती बारी या हिस्सा बकरा का गोतिया का लड़ाई उधर था तो मेरे घर पे उन लोग को चढ़ने का क्यों हक था, क्यों हम लोग पर ऐसा हमला किया, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे थे उन लोग के, नहीं हम लोग झगड़ा में गए, नहीं हम लोग किसी तरह से कोई विवाद उन लोग के साथ किए, फिर भी मांझी लोग मेरे घर पर क्यों चढ़ा, क्यों ऐसा किया। तो आपने एक एफ आई आर दर्ज अभी नहीं किया? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग एक पत्थर तक नहीं मारे हैं, हम लोग अपने घर में छुप करके थे, जैसे उन लोग किया है हम लोग कुछ नहीं किए हैं। प्रशासन क्या आपको आश्वासन दिया, आपको प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से ही मांग करेंगे कि हम लोग परिवार से क्यों कर रहा है वो लोग, उसको कुछ कार्रवाई कीजिए। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उर्मिला देवी है, पति महेश पासवान, गाँव मस्तीपुर आ रहा था, उसमें जीताराम मांझी था, विजय मांझी का था और ये ज्योति मांझी, ये सब का सर सुन ही नहीं रहे थे और डांट रहे थे कि आप लोग। जमीनी विवाद था, हम जमीन पे गए थे, वहाँ पे विवाद हुआ, लड़का लोग वहाँ भी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, कम से कम 100 से ज्यादा था, वहाँ पे गए आराम से बातचीत हुआ, लेकिन जब अंधेरा हुआ तो सब हम लोग पे फायरिंग करने लगा और ये ईटा पत्थर चलाने लगा। हम लोग सिर्फ 3 बहन वहाँ पे गए हुए थे
वहाँ से पूरा देखिए हम मेरे हाथ में सब लगा गोली लगाए क्या लगाई ये सब हमको पता नहीं है। उस अंधेरा था हम लोग भागते भागते तीन घर इधर पीछे था तो वहाँ हम लोग तीनों बहन अलग अलग छिप गए। अगर नहीं छिपते तो हम लोग को पता नहीं वहाँ पे क्या कर देगा क्या चीज थाना प्रभारी वहाँ भी हम लोग कॉल कर रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा है। अब बोल रहे हैं कि आ रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहा था। हम लोग घर में छिपे तो हम लोग बचे और कल देखिए कल इन लोग का तो बोल मीटर नहीं क्या सब कितने लोग यहाँ पर आए थे 100 से ज्यादा था इतना सारा क्या मांग कर रहा था आपसे कुछ मांग कुछ नहीं सिर्फ बोल रहा जमीन पर से हट जाओ तो मेरा जमीन है तो हम हटे क्यों। अच्छा ऐसा सुनने में आया कि इधर जो लोग आए थे हमला करने वो सारे लोग ड्रिंक करके आए थे दारू पी कर आए थे निकलो राजन पासवान कहाँ है पूरा ये गमछी राजेश पासवान कहाँ है निकलो अथी साल मतलब गाली बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था कि कहाँ है तुम लोग के इतना दम हो गया है कि हम लोग को अथी ये करेगा मारेगा पीटेगा। हम लोग तो कुछ ऐसा नहीं हम लोग तो लेडीज घर में थे जेंट्स कोई नहीं था और यहाँ पे आया यहाँ फायरिंग किया मेरे घर में भी फायरिंग किया बहुत ज्यादा बच्चा लोग हम लोग हाथ दिखाएगा ना हाथ क्या कर लेगा। अच्छा इसमें मंत्री जी का भी नाम आ रहा है जीताराम मांझी का हम लोग केस करने के लिए गए थे वहाँ पे तो क्या